टुडे व्लॉग्स। मेरा नाम है निवेदिता। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। और आज है मेरा बर्थडे, ये मेरा ही नहीं है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रिंकी जी, उनका भी बर्थडे है। उनके लिए वीडियो अलग से आ गया होगा, आप सब देख लीजिएगा अगर आप सब ने नहीं देखा है तो। एंड उसके बाद हम घर से होने के बाद, अपने तो घर पे देख ही लिया कि कौन कौन है मेरे साथ, बहुत ढेर सारे लोग हैं। देन हम शॉप पे आए और वहाँ पे मैं बैठ के केक मैंने पसंद किया, और उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी केक का, और मुझे एक कैप बड़ी अच्छा लगा तो मैंने कहा ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है, ले लो, बच्चे भी बन जाओ तो मैंने ले लिया। और ये जो साथ में है, ये मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो है मेरी, उसके हस्बैंड हैं ये। तो हम बहुत ढेर सारे लोग थे, अभी ये आपने देख ही लिया, आगे भी देखने को मिलेंगे। देन यहाँ से अब हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी थी, खुशी के मारे में बहुत सारी चीज़ें भूल गई मैं, सीरियसली बताऊँ। इतनी खुश थी ना, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, और सब बहुत चीज़ें सोचा था यार बट भूल गई। मुझे आप लोग का वेलकम कैसे करना था और ये सब चीज़ें मेरे से जल्दी जल्दी होता है। देन उसके बाद दूसरी शॉप पर हम आए और वहाँ से मैंने चिप्स लिया, बिस्किट लिया और प्लेट मैंने लिया। प्लेट तो इनके पास बहुत सही वाला नहीं था, बट मैंने कहा जो भी है दे दीजिए फिलहाल, तो मैंने यहाँ से लिया। अब हम जाएंगे स्कूल। अब हम यहाँ पे स्कूल पहुँच गए हैं और यहाँ पे मैम बैठी हैं और सर बैठे हैं, और सर मेरे से यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ का डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे सही हो सकती हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अगर देख रहे हो, अगर जो करना चाहते हैं हेल्प, एड्रेस भी चाहिए, मैंने आगे वीडियो में भी मेंशन किया है ये चीज़ फिर, लेकिन दो बार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप सब मुझे बताइएगा कमेंट में, इन सब लोगों को आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन उसके बाद हम गए क्लास में, क्योंकि ठंड का टाइम है तो बच्चे बहुत कम आए थे। देखिए बच्चे हेलो कर रहे हैं, हाय, मैं काउंट कर रही थी कि बच्चे कितने हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे मुझे लगे, तो मैंने बगल के क्लास से भी बच्चों को बुलवाया। और ये देखिए कितनी प्यारी है और इनकी टीचर बैठी हुई है यहाँ पे। देखिए दूसरे क्लास से भी बच्चे आ गए, कितने खुश हैं बच्चे ना। मैं सबको बैठने के लिए बोल रही हूँ कि सब आप सब बैठ जाओ। पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। मेरे सिस्टर्स हैं और एक भाई मेरा और भी है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और ये है मेरा बर्थडे केक, ये हैप्पी बर्थडे निवेदिता, हैप्पी बर्थडे टू मी और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैंने कैप लगा लिया, अब मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि मैं कैसा लग रहा है। बच्चे ऐसे करके बता रहे हैं, बच्चे पहले क्लैप करने लगे सारे बच्चे। और मैंने कुछ बच्चों को बुलाया, मुझे ऐसे केक बच्चों से कट कराना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बच्चों के साथ में केक कट किया। सबसे पहले मैं बच्चों को खिलाऊंगी केक, गर्ल्स फर्स्ट मुझे बच्चों को हंसता हुआ देख के मुझे अपने आप ही हंसी आ जाती है। क्योंकि बच्चे सुन तो पाते नहीं है, तो उनको इशारे से बोलना पड़ता है कि आप चलिए बैठिए या फिर इधर आइए। देन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले केक देते हैं बच्चों को और उसके बाद फिर चिप्स देंगे। ये मेरा नाम लिखा, अब ये क्लिप ले नहीं पाई मैं, क्या हुआ कि ये निकालने के बाद ना मैंने बच्चों को ही खिला दिया, चॉकलेट था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। क्यूटी इस बार वाशु नहीं जा पाया था, वाशु नहीं गया था। ये देखिए स्माइल करके दिखा रहा है ये
कितने मासूम हैं ना ये बच्चे। मैं ये ना क्लच दे रही हूँ अपनी सिस्टर को, और उसके बाद मैं बच्चों को केक और बिस्किट पहले दूंगी खाने के लिए सारे बच्चों को। सच बताऊँ मुझे इतना अच्छा ना, मैं अगर कहीं जाती हूँ डिनर करने तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना ये बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो भी चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं। इनका इनके प्रिंसिपल का ही कहना था कि ये बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे लोग आएं, उनके साथ कुछ सेलिब्रेट करें, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो। और वो बता रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा, मतलब कुछ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है। कह रहे थे सैलरी भी लोगों को हम इतना ही दे पाते हैं कि जितना उनके लिए काफ़ी नहीं हो पाता है। तो कंडीशन स्कूल की बहुत ख़राब है, आप स्कूल का देख ही सकते हैं, वॉल्स देखिए, लाइट नहीं थी। रिकॉर्डिंग तो मुश्किल से हुआ, कुछ तो मैंने देखा सही किया, और लाइट की भी नई व्यवस्था थी बहुत, और स्कूल भी बहुत। मेरा मन है यार कि मैं उस स्कूल को सही कर पाऊँ, मतलब जो स्कूल रिपेयर क्या बोलते हैं उसको, नहीं ध्यान आ रहा, जो भी है कलर वलर करवाऊँ स्कूल को सही करवाऊँ, बट देखते हैं वो दिन कब आता है। और बच्चों के लिए कुछ करूँ और बच्चे ताकि उसमें अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा स्कूल रहेगा, क्लीन रहेगा, लाइट रहेगी, तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देन उसके बाद बच्चों को मैं चिप्स देती हूँ। बच्चे थैंक यू बोल रहे थे, और मैं जितना कर पाई, मैं करना बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बट मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं कर पाती। बट इसीलिए मैं अपनी खुशियाँ, छोटी ही खुशियाँ होती हैं मेरी, मैं उनको इनके साथ बांटती हूँ, ताकि, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे सेटिस्फेक्शन तब होगा ना जब मैं इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूँगी और ज़्यादा वाला, बट देखते हैं कब वो दिन आता है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो भी दिन जल्दी ही आएगा। और ये बच्चा जो है, इसको मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें मिला, तो इसने बोला नहीं। तो ये दूसरा बच्चा जो है बोल रहा हाँ मिला, इसने बैग में रखा। तो गुस्सा होने लगा बच्चा, मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे बुरा लगा कि मैं इतना ही कर पाई सच्ची में। और उसके बाद सब लोग फोर्स करने लगे तुम भी केक खाओ, तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने केक खिलाया मुझे। एंड ये इनके टीचर हैं, ये भी बता रही हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप स्कूल का कंडीशन देख ही सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कंडीशन हो सकती है। मैं चाहती हूँ आप सब आगे आएं और इसमें सपोर्ट करें। और हम यहाँ पे फिर पिक्स ले रहे हैं, देन अब हमारे जाने का टाइम आ गया। सो सैड, देखिए बच्चों की पिक ले रही थी मेरी सिस्टर, रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, बच्चों की पिक्स भी ले रहे थे हम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सेलिब्रेट कीजिए, अपना भी कीजिए, बट अपना कुछ सेलिब्रेशन आप ऐसे बच्चों के साथ भी कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी बहुत खुश होकर के पिक लेना चाहते हैं, देखिए। देन ये बड़े बच्चे हैं इधर पे, फिफ्थ सिक्स के बच्चे पढ़ते हैं इधर, इनका क्लास ऊपर है। और मैं इन लोगों को दिखाने आई हूँ कि यही स्कूल है, देखो आप सब भी देखिए। थोड़ा इस बार मैंने ज़्यादा ही दिखा दिया, नेक्स्ट अब आगे मैं कोशिश करूँगी ये और ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ। बच्चे हाथ मिला रहे हैं, मैं बच्चे से नेम पूछ रही थी बट मैं समझा नहीं पाई उसको कि मैं क्या पूछ रही हूँ, तो बच्चा भी नहीं समझ पाया कि मैं क्या बोल रही हूँ। देन इसके बाद हम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे और उनसे बाय बाय बोलेंगे, फिर उसके बाद घर। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड मेंबर से, ताकि वो लोग भी ऐसे सेलिब्रेशन ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर मनाएं, और आप सब भी मनाएं ज़रूर। देन हम बाय बाय बोलते हैं इनको, उसके बाद फिर हम घर जाते हैं। और घर पे भी देखो फोर्सली सब लोगों ने क्या किया, सिस्टर ने केक मंगवा दिया कि मम्मी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं देख पाई, तो एक केक यहाँ पे भी कटेगा। तो मेरे बर्थडे में इस बार दो दो केक कट गया, यहाँ पे भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। आशु को मैं केक खिलाऊंगी तो बोलेगा
चॉकलेट के लिए बोलेगा। देखिए सबसे पहले मैंने मम्मी को खिलाया, अशु को खिलाया, उसके बाद सब लोगों ने खाया। मम्मी का मैं प्यार छू रही हूँ, मम्मी मुझे खिला रही हैं। बहुत मज़ा आया इस बार मुझे अपने बर्थडे में, फैमिली भी थी और मैं बच्चों के पास भी जा पाई। मेरा बर्थडे इस बार बहुत ही अच्छा रहा।